दूर हटो। कोई मर्द अपनी पत्नी से ऐसा बात करता है क्या? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कृष्णा जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो मेरा स्वभाव बदल जाएगा। नहीं जाना मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं आओगी तो तुम क्या सोचती हो मैंने तुम्हें इतने दिनों तक क्यों नहीं छुआ? अगर मैं जो कहता हूँ वो नहीं मानोगी तो इस खूबसूरत चेहरे पर ऐसे डाल के बिगाड़ दूंगा। मोबाइल कैमरा से लिए गए फिल्म के लिए राष्ट्रपति ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये डॉक्यू फिक्शन मलयाली भाषा में है। ये कोलकाता में इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है और इनका नाम अजित थॉमस है। अजित थॉमस ने इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर की परिभाषा ही बदल दी है हमारे देश में और यहाँ के बड़े रैकेट का भांडा फोड़ दिया है। राज्य स्तर पर ख्याति पाने के बाद इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिली है। कुछ ही दिनों में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। चलिए चलिए रास्ता छोड़िए बाबू चलिए। श्री अजीत थॉमस कैलकटा न्यूज के एक न्यूज प्रोग्राम प्रोड्यूसर जिन्हें इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आज उन्हें कैलकटा में मलयाली समाज की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर अ ग्रेट ऑनर। नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ कि आप में से किसी एक को आपने इस काबिल समझा। इस सम्मान के लिए मैं आभारी हूँ। थैंक्स गॉड। जाने कितनी बार मैंने घटनाएं कैद की है इस मोबाइल फोन में और मैंने उन्हें जोड़ के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इट्स रियली हैपेंड। इस कलकत्ता नगरी में कुछ अच्छे और कुछ बुरे जो पल थे ऑलमोस्ट ऑल रियल शॉट। मैंने खास तौर से कुछ सीन शूट किए हैं। यहां पर बैठे हुए कुछ लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो सम्मान आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं शैडोज ऑफ कैलकटा आपको समर्पित करता हूं। तुमने जो भी काम किया और मेहनत की है उसे भुलाया नहीं जा सकता। माँ, वो सब बातें मेरे दिमाग में एक फिल्म की तरह घूम रही है। अपनी मिट्टी अपना देश, अपनी गलियां अपना भेष, और आज यहां दुर्गा पूजा के महोत्सव का आखिरी दिन है और माँ दुर्गा आज यहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। मूर्तिकारों के कठिन परिश्रम से बड़ी बड़ी ये मूर्तियां बनाई गई हैं। माँ दुर्गा की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसने मेरे दादाजी से मिठाई खरीदी और उनसे दो पन्ने भी लिखवा लिए इसलिए इतना बोल रहा है ये। साउथ इंडियन जहाँ भी जाता है वहाँ पर जाकर सिर्फ भाषा ही सीखता है। Excuse me, तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? Nothing about you. मैं साउथ इंडियन हूँ तो क्या हुआ, तुम कुछ भी बात करती हो तो पता चलता है कि तुम नॉर्थ साइड की हो। आप क्या कह रहे थे? पागल। ओके, हाउ इज इट? बिल्कुल बोरिंग है। ओह, मुझे बोलते हुए सुनो। ओह, मलयाली हिंदी बोल रहा है। तो क्या हुआ? ठीक है, 10 seconds। तुम 90 साल के बुजुर्ग से यहाँ के बारे में बहुत कुछ सीख गए और बिना किसी शर्म के यहाँ के लोगों के सामने टीवी पर आराम से बोल रहे हो। देखो, दुर्गा पूजा के बारे में इतने अच्छे से किसी चैनल पर नहीं बताया गया। मेरे प्यारे साथियों को स्पॉन्सर से अच्छी बड़ी आलोचना सहनी पड़ेगी। तुमने बोलते समय स्पॉन्सर का नाम लिया था, बिल्कुल मेंशन नहीं किया। अभी अभी वो सब तो मैं कर दूंगा। एक आदमी जख्मी हालत में धोबी घाट के पास देर रात शहर में पाया गया। शहर की पुलिस ने मीडिया को पर्सनली इन्फॉर्म किया है कि ये एक मर्डर का केस है। हमारे रिपोर्टर ने ये भी बताया है कि उस आदमी को बड़े ही घातक तरीके से मारा गया। अभी तक उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई। ये क्राइम पर एक स्पेशल रिपोर्ट थी। रोज की खबरों के लिए देखते रहिए कैलकटा न्यूज। Thank you.
ये टीवी चैनल के लिए शूट कर रहे हैं। शूटिंग हो रही है। सामने से चल हट। नहीं नहीं अरे बोला ना सामने से हट। अरे छोड़ो, दिस इज अ पब्लिक प्लेस एंड वी हैव द राइट टू स्टैंड हियर। अरे क्या कैमरा के सामने आलतू फालतू बोलता है? क्या आलतू फालतू बोलूंगा तो क्या कर लेगा बे तू? आप लड़िए मत, चलिए यहाँ से। इसकी कैमरे की तो ऐसी की तैसी। ए टोपी, उसको जाने का तुमने? ऐसा बोल रहा है जैसे इसके बाप की जगह हो। सुनिए, किसी के माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इनके पास भी 101 गालियां हैं। बोल दूं क्या बोलने के लिए? ए सिद्धू, जरा इन जनाब को 2-3 सैंपल दे देना। अरे ओ लपड़ गंजो। ये बात उसको बोल जिसने तुझे पैदा किया। ओ भाई साहब, काली बिली क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे जाइए ना आप यहाँ से, लोगों के पास कोई काम नहीं है, फालतू में डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। हैव अ नाइस डे। तुम हमेशा मुझे छेड़ते रहते हो। किसने कहा? वो देखो वहाँ, इस शहर का बहुत ही पॉश होटल, होटल ग्रैंड, 5 स्टार है। इसका मतलब? इसका मतलब यहाँ सारी सुविधाएं होती हैं। शहर के बड़े बड़े रईसजादे लोग आकर यहाँ ठहरते हैं। ये होटल बहुत ही महंगा होता है। हनीमून कॉटेज के लिए कितना पैसा लगता है पता है? 30,000 रुपया पर डे विदाउट डिस्काउंट। अरे बाप रे, एक दिन के लिए? नहीं नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए। कुछ भी बोलती रहती हो। प्रिंस चार्ल्स भी जब कभी यहाँ आता है तो इसी होटल में आकर ठहरता है, 1 दिन के लिए हो या 1 साल के लिए। हनीमून कॉटेज की तो बात ही और होती है। चलो हम भी चलते हैं। क्या उसके लिए हमारे पास इतने पैसे हैं? अरे तुम अपने पति को क्या समझती हो? ये मेरे बॉस की तरफ से हमारे लिए हनीमून गिफ्ट है, अ ब्यूटीफुल पैलेशियल रूम। उनके पैसों की मैंने एडजस्टमेंट जो की थी। अगर मैं उस पैलेस में गई तो बड़े आराम से 1 साल रह सकती हूँ। अरे तुम ये सब बात छोड़ो, कुछ और बात करो। ऐसा क्यों? अरे अभी तक तो तुम बड़े रोमांटिक मूड में थे। देखो वहाँ पर देखो। हाँ? क्या हो गया? इधर देखो, इधर। अरे कहाँ? अरे इधर देखो। हाँ? मुझे पता है तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, इसलिए ये जरा शर्मा रहा है। चलो हम यहाँ पर उतर जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। आजकल लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है। सुनो दीपू, डू वन थिंग, उसका फोटो न्यूज़पेपर में दे दो, अगर किसी ने पहचान लिया तो हमें कांटेक्ट कर देगा। हाँ, लेकिन उस पे कुछ टाइम लगेगा। नो नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यस, ओके। अरे सुनो। हेलो हेलो। अरे भाई जरा रुको, मेरी बात तो सुनो, जरा मेरी मदद तो करो। दीपू जस्ट होल्ड ऑन, ये क्या है? आपने तो पूरी दुकान खोलने का सामान ले लिया। अरे अब क्या बताऊं, घर के बाहर की सभी चीजें आराम से मिल जाती हैं, पर मेरी पत्नी और बच्चों को यहाँ हावड़ा ब्रिज की धूल से सनी हुई चीजें ही ज्यादा पसंद आती हैं। जरा हाथ दो। हाँ। हाँ। अजीत, उसे बहुत खुशी होती है जब मैं सेक्रेटरी की तरह सामान मेरे साथ ले जाकर अपने किचन में रखता हूँ। बहुत बढ़िया। अब तो मुझे आंटी से मिलना ही पड़ेगा। आप हमेशा ही आंटी की इसी तरह खिल्ली उड़ाते रहते हैं। अच्छा, फिर तो मुझे पूरे दिन खाना भी नहीं मिलेगा। इस तरह भाभी की खिंचाई करोगे तो ऐसा ही होगा। भाई जॉन, तुम मेरी क्यों खिंचाई कर रहे हो? क्यों सेक्रेटरी साहब, आप इतनी दूर आने के बाद भी मेरे घर पर एक बार भी खाना खाने के लिए नहीं आए। अगर मैंने तुम्हारे घर जाके खाना खा लिया तो मेरी बैंड बज जाएगी। हेलो अस्मिता, मैंने दीपू से बोल दिया है कि उस लड़की का फोटो डेड बॉडी के साथ दिखा दे, जिससे अगर कोई देख ले तो उसे याद आने पर हमें फोन करे, हमें इन्फॉर्म करे। Exactly. या शायद किसी को दूसरी डेड बॉडी मिली हो तो। आई थिंक सो। कौन है? या आई विल कॉल यू बैक। कौन है वो? अरे कौन मर गया? अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है। लेकिन वो मलयाली है, धोबी घाट लेक साइड में उसकी बॉडी मिली है। मे बी इट्स अ मर्डर। पर वो मलयाली था, तुम्हें कैसे पता है? मैंने उसे पहले 2 बार देखा था, हमारे बीच थोड़ी बहुत कहा सुनी। सेक्रेटरी साहब, अगर वो अपनी बिरादरी का है तो आपकी मदद करेगा।
जब मैंने उसे देखा तो उसके साथ एक औरत थी। कहीं ऐसा ना हो कि एक और डेड बॉडी। देख रहे हो भाई क्या दिन आ गया है। अब भूत भी मुझसे नहीं डर रहे हैं। रुको, बस यही करो, भूत नहीं तो इंसानों को डराओ। किसी ने राजा और गुलाम को छुपा दिया है तो फिर अगर मैं ये डालती हूँ तो ये कट ही जाएगा। मम्मी कमेंट मत करो, गेम खेलो। हाँ तो मैं जान सकती हूँ कि गुलाम किसके पास है, तो फिर मैं ये फेंक सकती हूँ। चलो तो फिर मेरी ये चाल रही। तो फिर ये गेम मम्मी ही जीतेगी। अरे बहुत भागी जा रही थी, चल अभी बता देते को। चल जल्दी चला, इधर आ, यहाँ पर आ। अरे तुम ये सब शूट करके टीवी पर तो नहीं दिखाओगे? मैं भी वही सोच रहा हूँ गुरुजी। तुम तो हमेशा ही ऐसे बोलते रहते हो। नहीं नहीं, इस बार मैं सचमुच फिल्म बनाऊंगा। ठीक है। वो पागल बाबा क्या बोल रहा था? वो चाहता है कि मैं उसका काम टीवी पर दिखाऊं। तुम्हें पता है वो बेचारी उस लड़की को कितनी देर से मार रहा था? तुम इन सब बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्या भैया, अगर कोई 2400 घंटे पढ़ते रहे तो पागल नहीं हो जाएगा क्या? छी, कितनी बदबू आ रही है, जाके इसे बाथरूम में रखो। ये लो। ऐसी माया होती हैं जो लड़कियों को सिर पर बिठा के रखती हैं। अरे मेरा कान छोड़ो, मैंने नहीं बोला। तुमने इनसे बोला था ना? तो फिर ये यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? भैया, चलो जाओ पढ़ाई। भैया हम पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। सैटरडे नाइट को कार्ड खेलने की परमिशन पिताजी ने पहले ही दे दी थी। तो पिताजी ने ही मुझे ये परमिशन दी थी कि जब वो घर पर ना हो तो मेरा ही हुक्म चलेगा। सही कहा ना मेरी प्यारी माँ? लो हो गया। जब भी मैं डैडी की बात करता हूँ तो ये रोने लगती है। आखिर तुम्हें ये बात छेड़ने की क्या जरूरत थी? सुनो, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर करके थक गया हूँ। मेरे लिए एक कप चाय लेके आना। मैं लाती हूँ। माँ तुम बैठो, ये दोनों घर में है ना चाय बनाने के लिए। तो क्या हम तुम्हें चाय बनाने वाले लगते हैं? और नहीं तो क्या। इस काम के लिए तुम किसी और को देख लो ताकि तुम्हारा सारा काम कर सके वो। लो कर लो बात। माँ तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाहती है? तो क्या करना चाहिए तुम्हें समझ में आया? तुम्हें सिग्नल मिल रहा है, फिर तुम क्यों हमेशा दूर दूर भागते रहते हो? कभी घर लेकर आओ, कहीं देर हो गई तो लड़की बाय बोलकर निकल जाएगी। नहीं मुझे तो समझे तो। अरे अरे तुम लोग भी पता नहीं क्या क्या बात की हो। अब तुम टॉपिक मत चेंज करो। देखा, भूतों को भगाना फिर से शुरू। कोई समझदार आदमी अपनी लड़की को ऐसी किसी जगह रहने के लिए भेज सकता है क्या भला? माँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा ये घर बेचकर कहीं और चलते हैं, पर तुम पापा के सेंटीमेंट्स के चलते हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? भैया माँ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आज फेडरेशन कप में मोमेडियंस भी खेल रहे थे तो पता है माँ को कितनी खुशी हो रही थी? डैड ने जब मोमेडियंस के लिए स्कोर किया था तब उस दिन इस फ्लैट में बहुत बड़ी पार्टी हुई थी भैया। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी और इसलिए वो हमारे साथ कार्ड भी खेल रही थी। तुमने ये बात बोलकर उन्हें दुखी कर दिया। माफ कर दो माँ। ए, अब मैं ऐसी बात कभी नहीं करूंगा। छह, मेरी गंदी जबान फिर फिसल गई। माँ आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आपकी नजर में इस घर की क्या अहमियत है। आपने और पिताजी ने अपनी जिंदगी यहीं शुरू की थी। आपकी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हैं। पर ये तांत्रिक और जादू टोना देखकर मुझे तो बस। कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है ये माहौल ठीक नहीं है, खास करके लड़कियों की चिंता हो रही है। ये घर तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है। माँ फिर से, ये माँ बहुत इमोशनल है। बहनों जरा यहाँ आओ। तो आज एक फैसला हो गया है, ये फ्लैट बेचने की बात माँ से दोबारा नहीं होगी, समझे? अरे, अरे, अरे लाइट चली गई। अरे आज बहुत देर हो गई क्या? हाँ रुको आता हूँ। दूध ले।
ले ले दूध। अरे भैया दूध ज्यादा देना, घर पर मेहमान आने वाले हैं। ठीक है। ओ चाचा, कल के दूध का पैकेट फटा पड़ा है और दरवाजा भी बंद है, तो वहाँ दूध मत देना, जरूरत होगी तो यहाँ आके ले जाएंगे। लगता है अंदर कोई है। तो फिर आज और कल दो दिन का पैसा लेके आ जा। लेकिन बाहर से तो दरवाजा बंद है। ठीक है, अरे आप अंदर है पर बाहर से तो ताला लगा हुआ है। अरे दरवाजा खोलो, तुम अंदर क्या कर रही हो? भाई साहब दरवाजा खोलिए ना। अरे वही लड़की, ये दरवाजा खोलिए ना। अरे वो खोलने के लिए बोल रही है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे कुछ लेकर आओ और ताला तोड़ो। हाँ अभी लाता हूँ। भाई साहब जल्दी लाओ, जल्दी। हेलो, कुछ तो करो, खोलिए, लॉक खोलिए। रुको रुको, अरे क्या हुआ? अरे भाई जल्दी से आके ताला तोड़ो ना। अरे आ गया आ गया, जल्दी आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या हुआ, तुम्हें बंद किसने किया? आपका पति कहाँ है? अरे इसके साथ कोई और भी था। तुम्हारा पति कहाँ गया? पति पति कहाँ है, कहाँ है पति? मालूम नहीं कहाँ गए। तो आप नई हो, पहली बार आई हो? हाँ। मैंने सही पहचाना। माँ प्यास लगी है, पानी। पानी चाहिए? लो। ए, दिखता नहीं है क्या? अरे रुक गई, ऐसा लगता है किसी और के लिए टहल रही हो। अब मुझसे नहीं होगा, मेरी सांस फूल रही है। तो तुम एक काम करो, उनके साथ जाकर हंसो, तुम रिलैक्स हो जाओगी। वो जो हंस रहे हैं वो तो मुझे सारे पागल लग रहे हैं। इस तरह से हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, पर तुम्हें तो सब पागल लगते हैं, ऐसा नहीं होता। हेलो हेलो अजीत, एक सेकेंड। दीपू है। हेलो, गुड मॉर्निंग अजीत। दीपू, गुड मॉर्निंग। अजीत कल जो बॉडी मिली थी वो मलयाली थी ना? या हाँ मलयाली था। हमें एक मलयाली औरत के बारे में कुछ खबर मिली है। हाँ हाँ, कैन यू कम? मैं एक घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। ओके ओके, थैंक गॉड। तुम भगवान को क्यों याद कर रहे हो? चलो चलते हैं माँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि धोबी घाट पर एक मलयाली आदमी की डेड बॉडी मिली है और उसके साथ एक औरत भी थी। आज सुबह अपने दीपू के घर के पास में हाँ। एक मलयाली औरत को लॉज के कमरे में बंद पाया गया, हो सकता है वही लड़की हो। ओ। मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत भी शायद उसके साथ मर गई। क्या तुमने मुझे पहचाना? आप यहाँ कैसे? अरे उठने की जरूरत नहीं, आराम करो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ओ भाई साहब, इसके बारे में सब कुछ जान लिया? अरे इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारे माथे पर ये खून कैसा है? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। अरे आपको हमारी भाषा में बात करते सुनकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला। नहीं तो मैं यहाँ कुछ भी बोलती हूँ ना तो यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल अकेला महसूस करती हूँ मैं यहाँ। मुझे यहाँ किसी से भी बात करने में डर लगता है। उस दिन तुम्हारे साथ जो आदमी था वो कौन था? तुम्हारा हस्बैंड? हाँ वो जरा बाहर गए हैं। अरे इसका मतलब आपको सब कुछ याद होगा। वो इसलिए ऐसे बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि कोई हमारी बात सुन रहा है।
अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। इट्स ओके। प्लीज बैठिए। अरे ठीक है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनको क्या बोलना चाहिए। अरे कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँ? आपको चाय पिलाने के लिए तो घर में दूध भी नहीं है। अजीत, मुझे लगता है ऐसे कुछ पता नहीं है। उस दिन ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया था? उन्होंने ही, क्योंकि मैं इस शहर में नहीं हूं ना, तो वो बाहर जाते समय बंद करके गए। उनका नाम क्या है? हरी कुमार। और तुम्हारा? कृष्णा, कृष्ण प्रिया। पर ये कमरा तो शायद 2-3 दिन से बंद है। हरी अभी तक आया क्यों नहीं? क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है? अजीत, बेकार की बातें मत करो और इसका स्टेटमेंट लो। सर, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? तुमने पूछा क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चल सका है अंकल। अजीत, हेलो हेलो। अरे तुम उससे पूछो तो। हाँ। अजीत, वो मेरे तरफ ही देख रही है, मैं उससे डायरेक्टली कैसे पूछ सकता हूँ? सच में मुझे जरा अजीब लग रहा है। क्या बात है? अंकल, आप जरा आंटी को लेकर जनरल हॉस्पिटल में आ जाइए। पुलिस स्टेशन में पता चला है कि डेड बॉडी वहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वो वहाँ आएगी? हाँ, मैं उससे कोई झूठ बोलकर अपनी बातों में फंसा कर लेके आता हूँ। दिवाकरन से भी कह दो। 2 दिन बाद खाना खाया है, मुझे बहुत भूख लगी थी। वो वही होगा ना। ओके, तुम्हें इतनी भूख लगी थी, थोड़ा और खा लेती ना। अरे नहीं नहीं, पेट भर गया। हाँ पता चलता है, डकार जो ली तुमने। अरे वाह, येसुदास का गाना। हाँ? आहा, तुम्हें हिंदी गाने पसंद है? हाँ बहुत, दादी माँ घर में हमेशा गाना गाती रहती है। मैडम चाय लो। चाय लो। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बस थोड़ा ही पता है, माँ और दादी को ज्यादा पता है। अजीत, somebody following us. डायरेक्ट मत देखना, मेरे पीछे है। येसुदास का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो तुम्हारी दादी माँ कहाँ है? वो केरला में थी, अभी कनाडा में है। ओ, चाय के कितने पैसे हुए? 10 रुपए साहब। अरे कहाँ काम करता था पता है तुम्हें? वो काम पर नहीं गए थे, उस समय मैंने आपसे झूठ कहा था, वो मुझसे झगड़ा करके गए थे, इसलिए नहीं आए मुझे मुसीबत में छोड़कर। रोम, ये पब्लिक प्लेस है। वो इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो जनरल हॉस्पिटल में है।
तुम्हारे साथ कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? यहाँ पर आए मुझे सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं। मुझे कहा गया था कि हरी के रिश्तेदार यही रहते हैं, पर मुझे पता चला यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। हरी को क्या हुआ है सर? क्या सर, कार एक्सीडेंट में हुआ क्या? किसी खाली रास्ते से लेकर चला? सब रास्ता ऐसा ही है साहब। यह ऐसा हॉस्पिटल है जिसे समाज में अलग अलग। हाँ अजीत, वो काली कार वाला पीछा कर रहा है। क्या? वही आदमी हमारा पीछा कर रहा है। ओ। क्या सर, क्या वही हुआ? हमारा पीछा कर रहा है। ये तो काफी देर से हमारा पीछा कर रहा है साहब। सामने सामने मेट्रो स्टेशन की तरफ चलो। ठीक है साहब। चलो हेलो अंकल, पहुंचे कि नहीं? मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं। यहां कैजुअल्टी वाले लिफ्ट के पास। आप लोग कहां पर हैं? फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, हम वहीं आते हैं। वार्ड नंबर 3 पे जाओ, वहां डॉक्टर है। क्या तुमने उससे इसके बारे में बात की है क्या? हां हां, अभी मैं लिफ्ट में हूं। अच्छा, बस पहुंच रहा हूं। तो वो अभी कहां है? अभी वो मेरे साथ ही। हाय। आओ, आओ, आओ। ये केरला समाज सेक्रेटरी की वाइफ है। मैं लीला, तुम्हारा नाम क्या है? अभी चलो खाना खाओ। केरला में जल्दी जल्दी खाओ। पतंबी के पास वो कहाँ है देख नहीं रहे। एक मिनट रुको, कोई बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए आया है। मेरे साथ है डॉक्टर राव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, मर जाएगा। आओ इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ आ जाओ। मैंने सोचा कि ये पैर में चोट लगी होगी, पर ये क्या, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? बताइए सर, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? जवाब दीजिए, बोलिए ना सर, बताइए, बताइए। प्रिया, कैजुअल्टी में लेकर चले इसे। अरे उसकी जरूरत नहीं, चेहरे पर पानी का छींटा मारो, कौन ऐसी हालत में बेहोश नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ रहती है? सॉल्ट लेक के पास, लेकिन उसे घर नहीं कहा जा सकता, वो एक छोटा सा लॉज है, एक आध दिन रहने के लिए ठीक है। क्या बोल रहे हो दिवाकर, वहीं पर चलकर पूछते हैं लोगों से। मैं कर दूंगा, पर मुझे नहीं लगता इसका यहाँ कोई रिश्तेदार है या इसे कोई जानता है, और अगर उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त होता तो शाम तक न्यूज में आ जाता। सुनो कृष्णा, मुझे दो, लो पानी पी लो। हम लोग केरला में इन्फॉर्म कर दें क्या? मेरे घर में ऐसा कोई नहीं जिसे ये बात बताऊं। तुम्हारे पति कहाँ काम करते थे? सिगरेट कंपनी में, वो फॉरमैन का काम करते थे। कहाँ पर? आईटीसी में। आईटीसी में होगा तो वेणु जरूर पता कर लेगा, वो भी उसी कंपनी का सेक्रेटरी है। मैंने वेणु को कॉल किया है। हेलो। हाँ हेलो वेणुदा, अजीत बोल रहा हूँ। हाँ कहाँ हो? मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ।
मुझे आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कौन सी? वहाँ एक हरे नाम का आदमी काम करता था क्या? एक एक्सीडेंट केस है। अगर वो मलयाली होता तो मुझे पता होता। यहाँ पर सिर्फ दो ही मलयाली लोग हैं, एक है हरिहरन नायर और दूसरा बाला सुरेश। मैं तो दोनों को भी जानता हूँ। ओह, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। क्या हुआ अजीत? वहाँ पर ऐसा कोई आदमी काम नहीं करता है। जो मैंने सोचा था सही निकला, किसी ने इसके साथ धोखा किया है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? कोई नहीं। हम किसको इन्फॉर्म करें? बॉडी पाने के लिए पहले पोस्टमार्टम करना होगा। अच्छा। जिसको भी बॉडी चाहिए उसको अपना प्रूफ लेकर आना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो काम चलेगा। लेकिन वो नक्सलाइट या टेररिस्ट होगा तो? समझता हूँ, रुको। तो ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। बॉडी पाने के लिए तुम्हें कोई ठोस सबूत देना होगा, क्योंकि ये मर्डर केस है इसलिए इसका पोस्टमार्टम भी होगा, तभी बॉडी मिलेगी। ठीक है, पोस्टमार्टम करने दो। हाँ ठीक है, तुम्हें कोई ना कोई फैसला लेना होगा। मेरा कोई नहीं है सर, मेरा बस एक हरी ही था। हाँ, मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें बॉडी पाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, रिलेशनशिप का प्रूफ देना होगा, तभी वो बॉडी तुम्हें मिलेगी। वो क्या है दीदी? तुमने जो उससे शादी की है उसका सबूत तो होगा ना, यानी कि सर्टिफिकेट, वही चाहिए इन्हें। मेरे पास सिर्फ यही सबूत है। शादी के समय मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा ये सब बाद में करेंगे। मेरे हिसाब से तुम्हें इस झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं। मरने वाला नक्सलाइट हो सकता है, टेररिस्ट हो सकता है, तुम क्यों अपने आप को बीच में डाल रहे हो? उसकी बॉडी के लिए क्लेम ना करो तो ही अच्छा है। वो सब ठीक है, पर क्या कहें उससे? हम उस लड़की को कैसे समझा सकते हैं? उसका एक तरीका है। बॉडी मिलने में टाइम लगेगा। हाँ। तब तक आप लोग थाना जाकर कागजात पर साइन कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट। ये कह रहा है कि हम पुलिस स्टेशन जाएं। इस वक्त हमारे पास जरूरी कागजात नहीं है, इसलिए बॉडी के लिए क्लेम नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन जैसी जगहों पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, और ऐसी भी कोई बात नहीं कि इसे हम अपने ही जगह पर ले जा करके जलाएं। इलेक्ट्रिक क्रिमेशन है और उसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता। उसका अंतिम संस्कार हम देख सकते हैं। अब आखिरी फैसला तुम्हें ही करना है, बताओ क्या करें? मुझे कुछ नहीं पता सर, अब मेरा कोई नहीं है। देखो, अगर हम बॉडी के लिए क्लेम करेंगे तो बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं भी वही कह रहा हूँ, अगर हम क्लेम नहीं करते तो वो उसे कुछ दिन तक यहाँ रखेंगे। अगर कोई क्लेम करने नहीं आता तो उसे मेडिकल कॉलेज में दे देंगे। क्यों, है ना सिस्टर? हाँ, अगर कल को कोई आकर कहता है कि उसके पास राइट्स है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनो कृष्णा, तुम्हें सोच समझ के फैसला करना होगा। मुझे वार्ड में वापस जाना होगा, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ओके, तुम सब जाओ, मैं इस पुलिस वाले को कुछ देके सेटल करके आता हूँ। तब तक तुम इसका ध्यान रखना, इसे अकेला मत छोड़ना, समझ गई ना तुम? आओ मेरे साथ। अरे पागल कहीं का। ये क्या, यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है, एक आदमी भी नहीं दिख रहा है। ए भाई, जरा गाड़ी को धक्का तो दो। ठीक है, चलो कोई तो मिला। तुम्हारा धन्यवाद भाई। मुझे सारा लिफ्ट दोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, आ जाओ, आओ बैठ जाओ, आ जाओ। कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ू? मुझे तो बस यहीं आना था। अंधेरा होने के बाद मैं इधर नहीं आता हूँ, जब मैं इधर आता हूँ तो कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। आपको किधर जाना है? तुम्हारे घर। मेरे घर पे? मेरी पत्नी भी तो तुम्हारे घर पर है। ए?
अरे क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? जल्दी से पानी दो, मैंने डरावना सपना देखा है। ये लो। उस लड़की का पति जो मुर्दा घर में पड़ा था, अभी भी उसका चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है। आप भी क्या बेकार की बातें सोचते रहते हैं, सो जाइए। वो क्या है? आपके चिल्लाने से वो लड़की जाग गई। अब तो मुझे नींद नहीं आएगी, कितना डरावना था। हे भगवान, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रही हो? हे भगवान, अरे जल्दी आइए। ये क्या हो गया जी? अरे ये क्या हो गया? मैं इसे नीचे लेकर आता हूँ, ड्राइवर से बोला गाड़ी लेके आए। सपने की वजह से अगर वो नहीं जागते तो तुम्हारी हालत और सीरियस हो जाती, जानती हो? मैंने ये सब तो मरने के लिए किया था, पर मैं तो उसमें भी हार गई। ए, बेकार में दुखी होकर बीपी मत बढ़ाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो अंकल और आंटी पर मुसीबत टूट पड़ती। तुमने ये क्यों नहीं सोचा? अगर मैं जिंदा रही तो सब लोगों की परेशानी बढ़ेगी, किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है सर। बेकार की बात तुम मत करो। ए, भगवान हमें यह स्वास्थ्य और जीवन किस लिए देता है? बस इसे खत्म करने के लिए। देखो कल का वीडियो, तुम कितनी खुश थी कृष्णा, कितना अच्छा गा रही थी। ऐसी कला ईश्वर सभी को नहीं देता, तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोचती? तो दो में से कोई एक ही काम किया कर बेटी, दोनों भी सुर से बाहर हैं, इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते। देखो दादी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, ये काम मैंने सुबह ब्लैक कॉफी पी थी इसलिए कर रही हूँ। कौन सा काम ठीक से नहीं हुआ? देखो दादा कैसे दिखते हैं, कितने स्मार्ट है, मुस्कुरा रहे हैं। मैं कितना भी साफ कर लूं, ये ऐसे ही रहेंगे। पगली, तुझे बात में कोई नहीं हरा सकता। अब इसमें गलत क्या है? दादी मैं इस वक्त एग्जाम नहीं दे रही हूँ, सिनेमा के गाने की तरह थोड़ा इधर उधर गाऊंगी तो पुलिस पकड़ेगी क्या? मैं तुझे और झेल नहीं सकती। मैं क्या कह रही हूँ और तू क्या कह रही है? तुझे शादी करके किसी और घर में जाना है तो लो, खुद ही साफ कर लो। ए बेटी। मेरी दादी हमेशा से ही मेरे लिए सब कुछ रही है। सनी और उसकी पत्नी हमेशा मुझसे लड़ते थे। दादी मेरी शादी कराना चाहती थी लेकिन वो कनाडा चली गई हार कर। जो लड़की सातवीं में फेल हुई उसे अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? अब समझ में आया कि उसे अच्छे घर से रिश्ता क्यों नहीं आ रहा है। रिश्ता हो चाहे ना हो, पर अगले हफ्ते की फ्लाइट की टिकट बुक है। हाँ, डील होने के बाद हमने अगर घर उन्हें नहीं दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। उस लड़की को ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इतने समय से हम यही बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ क्या? ये अभी भी वैसी ही है, उसके लिए रिश्ता लाना मुश्किल है। उसे कॉन्वेंट में सिस्टर के यहाँ दे देंगे, हॉस्टल फीस भी दे देंगे,
और वहाँ पर सामूहिक विवाह भी तो होता है, और तो और उसके अकाउंट में पैसे भी डाल देंगे हम। क्या ये इतना आसान है कुछ पैसे देकर सेटल किया जा सके? तो मत दीजिए, उसे पकड़ के यही बैठे रहिए। कैसी बात करती है आप? फ्लाइट में जाने के लिए यात्री का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बीमार हो गई तो? अभी सनी ने कहा कि अगर आप बीमार हो गए तो आपकी देखभाल कौन करेगा। मैं तो कल किसी लड़के से शादी करके चली जाऊंगी, ये याद रखना। सनी भाई आप अगले हफ्ते की ही टिकट बुक कर दो, मैं कल से ही कॉन्वेंट चली जाऊंगी। मुझे कॉन्वेंट में ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। जो आदमी मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे खोजता हुआ आएगा। ये छुट्टी पर आया था ना, तभी तुम्हारी दादी से मैंने बात की थी। जब उन्हें पता चला कि लड़के का कोई केरला में रिश्तेदार नहीं है तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन इसे जब पता चला तुम यहाँ पर हो तो ये खास तुमसे मिलने के लिए चला आया। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, पर जो आदमी कोलकाता में रहता है हिंदुस्तानी संगीत उसके जीवन का हिस्सा होता है। जब मैंने सुना कि लड़की को भी संगीत पता है तो मैंने हाँ कर दी। अरे मैंने कोई संगीत नहीं सीखा, मैं तो बस ऐसे ही गाती हूँ। तो क्या हुआ, वो कोई मायने नहीं रखता। मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम मुझे संगीत से भी अच्छी लगी। टैगोर साहब ने गीतांजलि में कहा है, जो गाना मैं गाने आया था वो गाना मैं गा ही नहीं सकता, मुझे बस धुन चाहिए, मैं गाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, देखो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जन्म जन्म का प्यार हमारा, प्यार ये छूटे ना यारा, प्यार ये छूटे ना। मेरा भी हाल बिल्कुल इस गाने जैसा ही है। उस समय से हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे और देखते ही देखते हम दोनों को प्यार हो गया और हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नमस्ते भाभी, कलकत्ता कैसा लगा आपको? अरे भाई ये अभी अभी तो कोलकाता में आई है, इतनी जल्दी पूरा कोलकाता कहाँ देखेगी। मैंने सनम ली है कसम, छोड़ेंगे ना साथ हम, चोरी चोरी तूने नींद तो मेरी उड़ाई है।
अरे और कितनी देर जागते रहोगे? सो जाओ। अरे ये क्या, अभी तक तुम तैयारी नहीं हुई? जल्दी करो, बॉस वहाँ इंतजार कर रहा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? रुको अभी बताता हूँ। चलो अब एक अच्छे हिंदुस्तानी नारी की तरह इसे अपने बालों में लगाओ। आहा गजरा, मैं बस पूछने ही वाली थी कि यहाँ गजरा मिलेगा कि नहीं। अरे मैं हूँ ना, तुम जो भी सोचोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। जल्दी करो, देर हो रही है। यहाँ पर आखिरी बार मैंने एक बड़े 5-स्टार होटल में खाना खाया था और आज हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं। नहीं जी, अगर मैं इतने बड़े होटल में जाऊंगी तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा, हम वहाँ शांति से खाना नहीं खा पाएंगे। बड़े बड़े होटलों में जाना और बड़े बड़े लोगों से मिलना सीखना पड़ेगा। हमें गैस स्टोव लाना चाहिए, घर पर ही चावल बनाएंगे और आराम से बैठकर घर पर खाएंगे। वो सारी चीजें तो हम वापस आकर कर लेंगे। हेलो हेलो, यस बॉस। हाँ कहाँ पहुँचे तुम? हाँ हम लोग बस आधे घंटे में पहुँच ही जाएंगे। ओके ठीक है, जल्दी आओ। ओके। वो बुड्ढा तुम्हारा गाना सुनने को बेताब है। वो कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा बॉस। नहीं जी, मैं अजनबियों के सामने नहीं गा सकती, अगर ऐसा है तो मैं नहीं आऊंगी। लो कर लो बात, तुमने यहाँ देखा नहीं है कि लड़कियाँ कैसे नाइट क्लब में जाकर डांसिंग और सिंगिंग करती हैं? अरे वो सारी कॉलेज में तो पढ़ती हैं, और पता है वो कितना कमाती हैं? कैसी बातें करते हैं, मुझे इस बात से क्या लेना देना कि वो लोग कैसे कमाती हैं? हरी तुम आखिर ऐसा क्यों सोचते हो? यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमें पूरी तरह प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। यहाँ पर पैसे की कीमत है, इसलिए हमें वही करना है जहाँ पे पैसे मिलते हैं। बाद में एक बड़ा सा घर खरीद कर हम चले जाएंगे। मुझे बड़े घर की जरूरत नहीं, बस एक कमरा, एक छोटी रसोई और बच्चे। तुमने जो भी सपना देखा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बला की खूबसूरती है। बॉस बहुत अच्छे आदमी है, हम दोनों मिलकर ऐश कर सकते हैं। बस कुछ रातों के लिए तुम मेरे बॉस की हो जाओ। ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी? कृष्णा, उस आदमी से मैंने पैसे उधार लिए थे, बस तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज। देखो मना मत करना। झूठ, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने किसी और का पैसा चुकाने के लिए मुझसे शादी की और यहाँ ले आए। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने तुम पे विश्वास किया। कृष्णा, मेरे बॉस तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा डायमंड नेकलेस लेकर आए हैं। दूर हटो, कोई मर्द अपनी पत्नी से ऐसा बात करता है क्या? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कृष्णा जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो मेरा स्वभाव बदल जाएगा। नहीं जाना मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं आओगी तो तुम क्या सोचती हो, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक क्यों नहीं छुआ? अगर मैं जो कहता हूँ वो नहीं मानोगी तो इस खूबसूरत चेहरे पर ऐसे डाल के बिगाड़ दूंगा। हेलो, मैं बेहोश हो गई, बिना खाए कई रोज तक पड़ी रही, बिना जाने की वहां से कैसे निकलूं? मुझे तो वहां पे समझ में नहीं पाता था। कितना दर्दनाक है, बिना कुछ जाने समझे न जाने कितनी औरतों को धोखा देकर केरला से यहाँ लाया जाता है। बहुत सारी औरतों के साथ आजकल ऐसे हादसे हो रहे हैं, इसके साथ भी हुआ। जॉब ऑफर की जाती है, इसके साथ शादी कर ली। हमारी शादी को तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, कभी नहीं सोचा ऐसा होगा, और उसने मुझसे वो कहा जो कभी नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा इसने? No idea. देखो तो क्या है? वो चाहता था कि ये उसके बॉस से शारीरिक संबंध रखे, इसका मतलब वो इसका इस्तेमाल करना चाहता था। Oh, it's really a sad story. इसे अपने खुद के हस्बैंड की आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता, उसने इसे चीट किया है। अनजान जगह पर ये लड़की बिल्कुल अकेली है, उसे आत्महत्या करने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लगता है इसके ऊपर भी तुम स्टोरी बनाने वाले हो। हाँ, इस पर स्टोरी क्यों ना बनाई जाए, कुछ सस्पेंस थ्रिलर जैसी। कुछ अनजान सच आकर हमारे कैमरा के सामने खड़े हो जाएंगे। एक पॉजिटिव थॉट या फिर कुछ और
उस लड़की के पीछे मैं मोबाइल लेकर क्यों गया? So many accidental coincidence. आखिर कैसे वो दुर्गा पूजा के समय कैमरा के सामने आ खड़े हुए और मैंने उसकी बॉडी आइडेंटिफाई कर ली एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग स्टाइल में. ये कुछ वैसी है जैसा कोई सस्पेंस थ्रिलर. इस कहानी का अच्छा स्कोप है. डिजिटल कैमरा से इसकी शूटिंग करनी चाहिए हमें. दैट्स क्वाइट यूजुअल. इस तरह का रॉ आइटम देखो. देखा, ऐसा करने से एक चेंज आएगा. मेरी मदद करनी पड़ेगी. करूंगी ना. सेक्रेटरी ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है. उसे ऐसा लगता है कि वो आगे कुछ करेगी तो फंसेगी. तो जब तक सारा अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक तुम उसे अपने फ्लैट में रखो. क्यों नहीं, क्यों नहीं, ठीक रहेगा. ओके, एक सर्वेंट के तौर पर. तुमने तो कम्प्लीटली उसकी जिम्मेदारी ले ली है. सी, अगर एक लड़की को इस अवस्था में हम भी छोड़ दे तो. मेरा यहाँ कोई नहीं है, बस वो ही मेरे लिए सब कुछ है. कौन है, कौन है? कौन है? सामने आओ. कौन है? किसने पत्थर फेंका? कौन है? अरे बताओ कौन है? कौन है? लीला. अरे लीला, अरे कुत्ता लीला, यहाँ एक कुत्ता है. ए, चल जा लीला. अरे बचा, मुझे बचा, बचा. अरे जाओ यहाँ से, हट 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 हट, चल जा. भूता, एक भूता. कुछ नहीं है, ये ऐसे ही डर गए हैं. चुप, भूता. भूता, भूता, भूता. किसका? हरि का. तो खिड़की डिंग. हैं, क्या बोल रहे हो? डिंग डिंग खिड़की डिंग. अरे इसे बताओ. हाँ हाँ बताती हूँ. पिछली रात किसी ने हमारी खिड़कियों के ग्लास तोड़ दिए. तुम ऐसे बोलोगी तो वो कैसे समझेंगे? चुप रहो. भूता भूता भूता. अरे भूत नहीं होगा, समाज का इलेक्शन आने वाला है. चंद्रन ने आपको डराने के लिए ऐसा किया होगा. अब तुम ही इन्हें समझाओ. मैं इन्हें देखने गई तो ये हॉल में पड़े हुए थे. ऐसा लग रहा था जैसे किसी गधे ने इन्हें लात मारी हो. उस लड़के को घर से निकालने की सजा मिली मुझे. उसने मुझे सजा दी है, सजा. अरे ये क्या बक रहे हो? अरे ये सब आपके मन का वहम होगा. वो रीटा के फ्लैट में आराम से रह रही है. हॉस्पिटल से लौटते समय हम उसे जाकर देख सकते हैं, फिर भूत की आपसे दोस्ती हो जाएगी. ये तो इनका वहम है. ये कह रहे हैं कि जब उसके हस्बैंड का अंतिम संस्कार होगा तभी भूत शांत होगा. ऐसा है क्या अंकल? ये अब नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट्स ने उसका पोस्टमार्टम करके मुर्दा घर में जला दिया है. अरे जल्दी चलो, क्या इधर खड़े हो गए? अंकल एक काम कीजिए, उस कृष्णा को अपने घर ले जाइए और उसके साथ प्रार्थना कीजिए. अजीत, ये बार बार भूत की ही रट लग रही है. ये अंकल को भी क्या कहूँ. अरे ये तुमने क्या कर दिया? डोसा ऐसे बनाते हैं क्या? मैं कोई और सोच में डूबी थी. तुम चीजों को ऐसे बर्बाद मत किया करो. खाना बनाना जिम्मेदारी का काम होता है. उससे अच्छा तो मैं ब्रेड ही खा लेती हूँ. नहीं आंटी, मैं अभी बनाती हूँ. तुमने मुझे क्या कहा? आंटी कुछ मैं नहीं. तुम्हें आंटी जैसी दिखती हूँ क्या? आंटी मत बुलाया करो. वो बात नहीं है दीदी, दरअसल केरला में हम अपनी मालकिन को ऐसे ही बुलाते हैं. ओहो, तो अब आंटी से दीदी पर आ गई. ये दीदी कौन है? मैं तुम्हें उतनी बड़ी लगती हूँ क्या?
अगर कोई छोटी बच्ची दीदी बुलाएगी तो बात कुछ और है। क्या हुआ? ये मुझे आंटी कह के बुला रही है। मैंने आपको जानबूझ के आंटी नहीं कहा। हाँ हाँ, अब तो तुम मुझे सिखाने चली हो। शक्ल से भोली लगती हो और झूठ भी बोलती हो। अरे बस भी करो, और कितना सताओगी उसे। ये कोई कॉलेज है जो रैगिंग कर रही हो? अब वो बेचारी लड़की नहीं रही है ना भोली। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो वो रो पड़ी? अरे अब रोना बंद करो, ये तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। कृष्णा देखो, तुम मेरी एक बात सुन लो, तुम यहाँ पर रहकर रो नहीं सकती हो। हम सबको देखो कितने स्मार्ट है, हमारे प्रॉब्लम्स के सामने तुम्हारे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं। एटलीस्ट तुम उस हरी से तो बच गई। हाँ ये तुम्हारा लकी है। हम लोग स्टूडियो में काम करते हैं, कृष्णा को जो आता है वो वही कर रही है, यही बात है ना? हम सबकी एक ही उम्र है ना, तो हम सबको नाम से पुकारो। मालूम ये जो कह रही है समझ में आ रहा है? मालूम का मतलब है समझी क्या? मालूम नहीं मालूम। अरे हम लोग एक ही उम्र के हैं, इसलिए हमें नाम से ही पुकारो। इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा ही है, इसे छोड़ दो। मालूम नहीं मालूम, बहुत हो गया। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं समझ आ रही है। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं समझ आ रही है। ये कौन सी भाषा है? कहा ना कोई बात नहीं समझ आ रही। पता है इसका मतलब क्या है? मतलब है आकाश को चूमना। आहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा गाया। हाँ, थोड़ा थोड़ा मालूम। अच्छा, इतना अच्छा गा लेती हो तो चलो डुएट गा लेते हैं। अरे इतनी जल्दी बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप धीरे बात करके एक्शन करेंगे तो समझ आएगा। लेकिन तुम कैसे समझ पाओगी? She sings very well. हाँ, ये अच्छी सिंगर बन सकती है, लेकिन इसको किसी का सपोर्ट चाहिए। चलो इन्हें एक चांस देते हैं किसी अच्छे म्यूजिक एल्बम में गाने के लिए। Yeah, that's a great idea. मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप लोगों की इंग्लिश मुझे समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ बेकार में क्यों बैठूं? हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। समाज के म्यूजिक एल्बम में हम चाहते हैं कि तुम एक गाना गाओ। अब मेरा मजाक मत उड़ाइए, हम लोग कॉन्वेंट में ऐसा करते थे। नंस तो बच्चों को मेरे हवाले छोड़ देते थे गाना सीखने के लिए। उनसे पूछा, आप लोगों को सब समझ आ रहा है क्या? क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैं जो बोल रही हूँ वो तुम लोगों को समझ आ रहा है? तुम लोगों को समझ आ गया ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब है तुम लोगों ने हार मान ली ना? हार मानी? मान ली। मैंने कहा मैं जो कह रही हूँ समझ में आ गया ना? कमाल है, एक बार फिर से बोल के बताओ। हाँ, फिर आप मेरा मजाक उड़ाओगे, कुछ और बोलती हूँ। नियंगल रेंडु पेनम एना कल्याणम कैंजिको ये। कितना स्पीड में बोल रही हो, थोड़ा आराम से बोलो ना। अरे वाह, अगर धीरे से बोलूंगी तो समझ आ जाएगा ना? मुझे भी तो हिंदी समझ नहीं आ रही थी, बोला था ना धीरे बोलना है। अरे तुम तो स्मार्ट हो गई हो, एक बार फिर से बोलो। नियंगल रेंडु पेनम एना कल्याणम कैंजिको ये। कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लोगे। मैं बहुत होशियार हूं। हेलो स्मिता, तुम्हें समझ में आया कृष्णा ने क्या कहा था? नहीं, तुम अभी तक वो बात भूले नहीं? हे, नहीं, जब मैंने फोन से विजुअल डाउनलोड किया तो सॉरी, शी इज मिसअंडरस्टैंडिंग। कृष्णा ये सोच रही है कि हम दोनों में प्यार है, और वो कह रही कि हम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। सॉरी, उसने जो भी कहा इसके लिए सॉरी। उसके लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मेरे मन में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, और मैं किसी और से प्यार भी नहीं करती, लेकिन तुम उसका ख्याल रखना, ठीक है? ए, अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं। अरे यार, तुम अब चिंता किए बगैर सो जाओ। अरे सुनो, कल ड्यूटी भी है। पता नहीं आधी रात को इसे क्या हुआ। ए, तुम क्यों हंस रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड से थोड़े ही ना बात कर रही थी, तुम तो बस उल्टा सीधा सोचने लगती हो। वी आर ओनली फ्रेंड्स,
वैसे मुझे तुम्हारे सर से कोई प्यार व्यार नहीं है। मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। ये अजीत भी ना, पता नहीं उसे फिर से क्या हो गया है। बस किसी लड़की ने इसे कुछ कह दिया, ये सोचकर वो आधी रात तक जग रहा है। फोटो कंप्यूटर में डाल के यहाँ वहाँ के लोगों की कहानियाँ बनाता रहता है। इस प्रॉब्लम का हल तुम्हें ही निकालना होगा, समझ गई? अरे मैं उन्हें उस तरह से नहीं देखती हूँ। उस तरह से मतलब? मेरे लिए वो भगवान जैसे हैं। तो ठीक है, मैं उसे बता देती हूँ। हाँ, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें पूछती है। तुम उसके लिए देवता समान हो। अब सुनो, कल काम पर आना है, अब सो जाओ। देवता सर? ये कौन से सर है? अरे जल्दी चलो, देर हो रही है। चलो, हाँ, चलो ना, देर हो जाएगी। चलो चलो। हाँ। आज क्या बात है माँ, यहाँ इतने भीड़ क्यों दिख रही है? कुछ खास बात है क्या? आज संडे है ना, सब मिलके सेक्रेटरी को देखने आए हैं। वो गूंगा है ना, आज एग्जाम है। चलो अजीत, आज आना होगा, देखना, याद रखना, भूलना मत, देर मत करना। चलो। लालच दे रहा है, चंद्रन का आदमी है, सेक्रेटरी को परेशान कर रहे हैं। देखो तुम चुपचाप बैठना, किसी से कुछ मत बोलना, हमें आखिर किसी से क्या काम है? मम्मी। स्मिता। अरे तुम कैसे आ गई इस प्रोग्राम में? नहीं, मुझे तो ड्यूटी पर जाना है, मैं बस इसे यहाँ ड्रॉप करने आई थी। सेक्रेटरी ने बुलाया था कृष्णा को मीटिंग में भगवान का भजन गाने के लिए। हाँ? ये है, यही है कृष्णा प्रिया। हाँ? आप इससे पहले नहीं मिली है क्या? नहीं, ये बहुत बदमाश है। तू हंस क्यों रहा है? ये कोई भी खूबसूरत लड़की देखता है तो मुझे नहीं मिलवाता। तुम्हें नहीं पता स्मिता, मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम अंदर आ जाओ। ये डरता है कि कहीं मैं इसकी शादी न करवा दूं। अच्छा ये बात है, ये शादी से इतना डरते हैं? सुनो मम्मी, ये सारे मर्द ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन अब आप ऐसा कुछ मत सोचिए, इसके लिए ये देवता समान है। दरअसल माँ जी, अगर वो नहीं होते तो मैं... वो मैंने किसी कारण से नहीं कहा, मैं तुमसे मिली नहीं हूँ ना, फिर भी सब कुछ जानती हूँ। चलो। और सब ठीक है ना? सुन रहे हो देवता, मीटिंग के बाद इसे फ्लैट में छोड़कर आइएगा, ठीक है? हाँ जानती हूँ, देवता की बोल रही है। बात क्या है? वो पागल है। विश्वास कम हो, शक्ति दे तो हमें, स्नेह और विश्वास का दीपक सदा मन में जले, सत्य की राह न छूटे, शक्ति ऐसी दे हमें। मुझे तो वहाँ शांति से बैठे रहना पड़ा, नहीं तो बहुत परेशानी होती। तुम ही लोगों ने जबरदस्ती की। अरे भाई, अगर आप इस वक्त भी चुप रहे ना, तो इलेक्शन का सारा वोट उसकी तरफ चला जाएगा। तुम सबको यहाँ थोड़ा दिखावा करना होगा, लेकिन संभल कर। नहीं तो मैटर सीरियस हो जाएगा। जन्म भगवान तूने दे दिया, भेद आ
ये गाना गाने वाली कृष्णा प्रिया को आप लोग शायद जानते नहीं होंगे। इस लड़की को आप सबके मदद की आवश्यकता है। कलकत्ता मलयालम समाज की तरफ से आप सब लोग उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाए, इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि हमारे समाज में संगीत की कक्षा शुरू की जाए। कृष्णा प्रिया जिसे अभी आपने सुना, उसे हम इस काम के लिए अपॉइंट करते हैं। जिसे भी संगीत सीखने की इच्छा हो वो यहाँ संगीत की कक्षा में सीख सकता है। अब होगा स्वागत भाषण सेक्रेटरी का। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। नमस्कार। 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 क्योंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सेक्रेटरी के बदले उनका स्वागत का भाषण मैं पढ़ूंगी। बंद करो, निकलो यार यहाँ से, हम नहीं सुनेंगे। अरे हटाओ, बंद करो, सब बंद करो यहाँ से, नहीं चाहिए। परेशान हो गया यार, कौन है? अरे ओहो, समझते क्यों नहीं? चलो चलते हैं, यहाँ रुकना आप ठीक नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए। हेलो हेलो, सुनो, क्या बता रहे हैं? रुक जा। प्लीज शांत हो जाइए। बहुत दर्द हो रहा है क्या? दरवाजा पकड़ के मैंने अपने आप को गिरने से रोका। अजीत, जाते समय इसे इंजेक्शन लगवा देना, अगर लोहे से लगा होगा तो सेप्टिक हो सकता है। कम होने दो माँ। सर जी, कपड़ा सिलाई हो गया वो तो मुझे दे दो। माँ, हाँ, एम्ब्रॉयडरी हो गई हो तो कपड़ा दे दो। हाँ देती हूँ, दो तो हो गए हैं, बाकी का मैं बाद में हाँ, देती हूँ। अरे ये सब किसने किया है? शाइनी ने? नहीं, कॉलेज और ट्यूशन के बाद मेरे पास समय कहाँ बचता है, ये सब मम्मी ने किया है। बहुत सुंदर है। जब सब बाहर चले जाते हैं तो मैं अकेले घर पर बैठकर क्या करूँ? इनके पिता के गुजरने के बाद मैंने यही सब करके इनका पालन पोषण किया है। जब मैंने सुना कि तुम संगीत सिखाओगी तो मुझे वो याद आ गया, उस हॉल में बहुत कुछ याद आ गया। देखो कृष्णा, अब मम्मी रोना शुरू करेगी। रेडी, 1 2 3। छोड़ना। जब सब लोग चले जाएं और कोई अकेला रह जाए, बच्चे ये नहीं समझेंगे, है ना कृष्णा? मैं भी थोड़ा बहुत सी लेती हूँ। क्या एम्ब्रॉयडरी? मैं वहाँ पर ये दादी के लिए करती थी, मैंने एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सीखी भी है, लेकिन फिर वो बीमार रहने लगी। बहुत दिन हो गए मुझे कढ़ाई किए हुए, थोड़ा कोशिश करती हूँ। तुम्हारी दादी बड़ी अच्छी होगी हा? जिन्होंने तुम्हें गाना भी सिखाया। दादी तो मेरे लिए भगवान समान है। आहा, तो फिर आखिर कृष्णा के कितने भगवान हैं? माँ भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, और ये कृष्णा प्रिया नाम किसने रखा था? दादी ने, इसका मतलब जानती हो? कृष्ण प्रिया का मतलब कृष्णा जिसे प्यार करता है ना? कहते हैं हजारों पत्नियां थी कृष्ण के पास, लेकिन वो उन सबसे ज्यादा कृष्ण प्रिया से प्यार करते थे। क्या? मुझे नहीं पता, हो सकता है। पर इतनी सारी हजारों पत्नियों को वो कृष्ण ही सबसे प्रिय थे। उन सारी पत्नियों के लिए कृष्ण पति थे या भगवान थे? मुझे नहीं पता, मेरे लिए कृष्ण भगवान है। प्रार्थना सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं आपकी तरह। अरे यही है ना ग्रैंड होटल? हाँ हाँ, ग्रैंड ओबेरॉय। तुम यहाँ गई हो? सब कुछ बातें ही हैं। तुम क्या सोच रही हो? हरी आखिर कैसे मरा था सर? मुझे बताइए।
आखिर वो कैसे मरा? पुलिस केस चल रहा है, लेकिन वो सब फॉर्मेलिटी है। वैसे हरी जैसे आदमी के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, उसके कामकाज तो सब वैसे ही थे। हाँ, उसके मरने का कारण मैं ही थी। ए, आखिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? शायद ये भी कारण हो सकता है, कृष्णा जैसी बहुत सी औरतें उससे बदला लेना चाहती होगी। हुक जरा खोलो तो। क्या हुआ? अपने ब्लाउज का हुक जरा खोलो तो। हाँ? हाथ पर इंजेक्शन देना है। क्या? अपना हाथ आगे करो, इंजेक्शन देना है। कृष्णा, इंजेक्शन लगाने के लिए तुम्हें ब्लाउज का हुक खोलना पड़ेगा। डर लग रहा है क्या? तो फिर अपनी आंखें बंद करो। आंख बंद कर लो। यहाँ पर अच्छी तरह मलो, नहीं तो दर्द करेगा। जरा आप उसकी मदद करेंगे? अच्छी तरह मल दो, नहीं तो दवा जम जाएगी और दर्द होगा। उस नर्स को बोलिए ना, मेरे हाथ में बैंडेज लगा है, मैं नहीं लगा सकती। लाओ, मैं करता हूँ। ओह नो, सॉरी, ब्लाउज पहन लिया क्या? अरे सर, वहाँ नहीं, यहाँ। आप आंखें खोलकर देख सकते हैं, मैंने ब्लाउज पहन लिया है। चुप करो, आमतौर पर वो हिप में लगाते हैं, लेकिन लगता है आज मेरा भाग्य खराब था। अरे शाइनी, अरे क्या हुआ? कैसी बहन हो? अपनी बहन का हाथ छोड़ रही थी। हमारे कॉलेज में जितने भी लड़के लड़कियां हैं, उसे पोस्टमैन बुलाते हैं। ये लोग इवेंट को शूट करने आ रहे हैं। जब वो लोग जादू करेंगे तब भी क्या ये लोग शूट करेंगे? हाँ हाँ, ये ब्लैक मैजिशियन का एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू है। हाँ, ये तो सच है कि जादूगर मरे हुए आदमी से भी बात करते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। वो मुर्दे की आत्मा को मंत्र से बुलाते हैं। वहाँ एक औरत है, उसकी पत्नी है। जब आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी आवाज डरावनी हो जाती है। ये इतना नजदीक है, फिर भी मैं यहाँ नहीं आती। हमारे कॉलेज के लड़के तो यहाँ रोज आते हैं। वो यहाँ आकर मरे हुए लोगों से बातें करते हैं। तुम न्यूज़पेपर तो पढ़ती होगी ना? मिस्टर श्री कृष्णा नायर ने अपनी पत्नी से बात की, उसका पत्नी से बात करने का इंटरव्यू भी आया था। तुम डर गई क्या कृष्णा? वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इसी पंच तत्व में है हमारा जीवन। आकाश हमारा जीवन, मिट्टी हमारा शरीर, जल हमारा रक्त, वायु हमारी सांस, अग्नि हमारा ताप, समझे? अरे अंदर आओ, शूटिंग चल रही है। जरा भी डरो मत, यहाँ से देखो। सिद्धू, चेंज द कैमरा पोजीशन। ओके, चलिए आप पूजा शुरू कीजिए। कमल, लाइट सेट करना, देखो वहाँ पैच आ रहा है। तुम यहाँ खड़ी रह सकती हो, लेकिन बीच में बिल्कुल बात मत करना। कैमरा रोलिंग करते समय आवाज नहीं चाहिए, लाइव रिकॉर्डिंग है। लो ये सुन लो। अरे हाँ, बोल नहीं सकती, जो सांसारिक लोग हैं ये उनसे बोल रहे हैं। चाहो उनसे जाके बोलो। खाना मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, ब्रेक में टाइम मिले तो खा लेना। यहाँ पूजा हो रही है, अगर जरूरत नहीं है तो बाहर जाओ। चलो ना, थोड़ा देखते हैं। हाँ, उसने कहा कि फालतू लोग बाहर जाए, वहाँ पूजा हो रही है। चलो। ओम लीम क्लीम पट स्वाहा। नीचे आ, किधर है तू? नीचे आ, ओम फट स्वाहा, ओम लीम क्लीम फट स्वाहा। ये क्या, तुमने ठीक से कैप्चर नहीं किया? हाँ, लेकिन पहले तो ये प्ले हुआ था। क्या हमारे पास और टेप्स हैं क्या? नो, वी हैव ओनली टू टेप्स। मुझे लगता है वो टेप कुछ ठीक नहीं था, देखो इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। नो वे, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो कैमरामैन को पता होगा, मैं उससे बात करता हूँ। ओके। ए, कैमरामैन से जरा बात करो तो। ठीक है। हेलो। माँ। हाँ, क्या हुआ? वहाँ कैलेंडर पर एक नंबर लिखा है, बगल वाले बैनर्जी का। ब्लैक मैजिक के नाम से लिखा हुआ है। हाँ, वही है, बताओ जरा। 24 10 12 54। मैंने जो शूटिंग की थी ना, पूजा का इम्पोर्टेंट पोर्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्या हुआ था?
पता नहीं क्या हुआ था, एक आदमी अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा के साथ बात कर रहा था। हमने शूट भी किया था, हमें लगा कि ये उन लोगों की आपस में पहले से एडजस्टमेंट थी, लेकिन अब आत्मा से हुई चर्चा का पोर्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सर, कैमरामैन कह रहा है कि रिकॉर्डिंग हुई थी, वो अभी आ रहा है। माँ, मैं ये बात उनसे पूछ लेता हूँ, ओके? अजीत, बात क्या है? वो ब्लैक मैजिशियन, वो झूठा नहीं है। He has some powers. जय काली कालिका। हेलो। जय हो माँ काली, माँ काली, जय माँ काली। जय काली काली कपालिनी नीमुंड महाकाली शोभिता, जय काली जय तारा जय माँ विंध्यवासिनी, जय काली जय तारा जय माँ चंडिके, ओम लेम क्लेम फट स्वाहा। आ आ किधर है तू? ओम लेम क्लेम फट स्वाहा। आ आ किधर है तू? किधर है? आजा, आ सामने है मेरे। कृष्ण प्रिया, मुझे क्षमा कर दो तुम, क्षमा कर दो तुम। जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? ये सब क्यों हुआ? हरी, तू अकेला आ गया क्या? तेरा हनीमून खत्म हो गया? अरे भाई, हनीमून नहीं है, वो केरला से बैनर्जी के लिए फ्रेश आइटम लाया हूँ। गांव की है और एकदम कौली है, हमें तो उसे तैयार करके भेजना होगा ना। अरे रे रे, एक लड़की के साथ तू बिजनेस करेगा? तू कैसा घटिया आदमी है, क्या तूने उस लड़की के लिए 5 लाख रुपए नहीं लिए थे? अरे नहीं भाई, उस लड़की के लिए 8 लाख में बैनर्जी से पहले ही बात हो चुकी है। अगले हफ्ते केरला से दूसरी लड़की ले आऊंगा। बॉस, ये हम लोगों को ठग रहा है। अबे मैं नहीं, ठगी होगा तेरा बाप। मेरे साथ ऐसा से बात करो वरना ठीक नहीं होगा। अबे तेरी तो। बस बस बस, उसे थोड़ा पानी दो। तुम अभी इसको बिल्कुल मत छेड़ो। वो जो आत्मा आ रही है ना, वो वापस जा रही है। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमको डरने की जरूरत नहीं, ये अभी ठीक हो जाएगी। बस इंदिरा, बस। अगर तुम इस तरह हमें बिना बताए जाओगी और तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? एटलीस्ट तुम्हें किसी को फोन तो करना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ भी तो क्या हुआ? मरे हुए दुष्ट आत्मा को बुलाकर तुम उससे इतनी बात कर रही हो? छोड़ ना यार, क्या बेकार में। देखो, वो मुझे बार बार कॉल कर रहा है। तुम्हें पता है उसने मुझे कितनी बार कॉल किया है? हेलो, कृष्णा पहुंच गई? हाँ, वो अभी। फिर? हाँ, अभी तक सर झुका कर बैठी है। यहाँ पर भी एक बीमार पड़ी है, वो सब देखकर शायद डर गई। वो मैजिशियन रिकॉर्डिंग के बारे में क्या बोल रहा था? वो बोला कि उसे शूटिंग से पहले ही सब पता था, अगर तब बोलता तो विश्वास नहीं होता। नॉर्मल लेंस में उस तरह की इमेजेस रिकॉर्ड नहीं होती। हाँ, मैंने नेट पर सर्च किया है। वो अभी कहाँ है? वो यहीं पर है। कृष्णा, तुम्हारे देवता का फोन है। हेलो। देवता है और ये है उनकी आत्मा। क्या 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 कर रही है? तुम ये सब क्या करती हो? सबको डरा दिया, कितनी बार मना किया था उसके पास मत जाना। वो मैं बस ऐसे ही, शाइनी ने कहा था कि उसके कॉलेज के बच्चे मरे हुए आत्मा से बात करते हैं। उसने तुमसे क्या कहा? मेरी आत्मा को हुगली में विसर्जित करना होगा। एक काम करो, तुम एक पैरासिटामोल खा के जाओ। हाँ। उसके बारे में सोचकर तबीयत खराब मत करना, ठीक है? सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। जब पता चला कि मेरे लिए सभी लोग परेशान हैं, तो खुशी हुई। अब मुझे जीने का एहसास हो रहा है। जब कोई ख्याल रखने वाला और प्यार करने वाला होता है, और जब ये पता चलता है, तो बहुत खुशी होती है। मुझे लगा तुम्हें यह भी पता चला। क्यों हंस रही हो? ये कोई जवाब नहीं है। कृष्णा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम मुझे इसका साफ साफ जवाब दोगी,
क्या कृष्णा के मन में अब भी हरी है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है कृष्णा। आखिर मैं कैसे उस जैसे आदमी से प्यार करूंगी? वो कैसे मेरे दिल में रहेगा जिससे मुझे बेचने की कोशिश की? पर वो कितना भी बुरा आदमी हो, हम एक हफ्ते के लिए तो शादीशुदा थे ना। अगर वो मर गया तो कोई भी उसका कारण जानना चाहेगा। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया। ऊपर देख रहे आकाश की तरह आप भी आकाश में देख रहे हैं ना। तीन तारे एक साथ, क्या दिख रहा है आपको? चांद नहीं, मुझे 3 करोड़ तारे दिखाई दे रहे हैं। ओहो, बहुत बढ़िया, आपने इतनी जल्दी तारे गिन भी लिए। ये सारे तारे नीचे क्यों देख रहे हैं तुम्हें पता है? वो धरती पर छुपे राज को देखते हैं और खुश होते हैं। सुनो कृष्णा, आसमान की तरफ देखो। सारे तारे शायद तुम्हें ही देख रहे हैं और कह रहे हैं जन्म जन्म से हम एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे हैं। तुम इसका मतलब जानती हो? नहीं। ये बात है, इसका मतलब तुम बिना कुछ जाने ही वहाँ चमक रही हो। जन्म जन्मांतर से ही हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। चलो हम एक साथ गाएं। ठीक है ना? क्या बात है? ये कौन है? दुर्गा माता मंदिर से निकलकर यहाँ आ गई क्या? गंगा में डुबकी लगा के मैंने सब कुछ भुला दिया। सही कह रही हो, बंगाल में जितने लोग हैं उनके सभी पाप हुगली नदी में ही धुलते हैं। चलो जल्दी घर चल के नहा लो, नहीं तो देरी हो जाएगी। बैठो पीछे। आप चलिए ना, मैं टैक्सी में आती हूँ, मैं पूरी गीली हूँ। ओह चलो कोई बात नहीं, बैठ। इतनी गर्मी में थोड़ा गीला होना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें इसी तरह माँ के सामने ले जाकर पूछना चाहता हूँ कि इस छोटी दुर्गा से मैं शादी कर लूँ क्या? क्यों, मैं पूछूँ क्या? आप इस तरह पूछेंगे? क्यों नहीं पूछूंगा, क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे? वो बात नहीं, माँ या किसी और की नजर में मैंने शादी कर ली है, पर आज तो मैं विधवा हूँ। आपकी माँ इसके लिए तैयार होगी? अगर माँ तैयार नहीं होगी तो और कौन होगा? माँ अभी तक मेरे स्वर्गवासी पिताजी से प्यार करती है। अगर मान लो वो फिर भी नहीं मानी तो उसके कान में जाकर कृष्णा कहेगी, एक ही फूल सिर्फ मैंने फूलदानी में रखा है, जाने कब पाऊंगी मैं अपने भगवान को। तो फिर माँ को मानना ही पड़ेगा। ये पापा का फेवरेट सॉन्ग था। दूर तुमसे जान मन कैसे रहे कहूँ क्या, दूरी मिटी तुमसे जीवन सवर गया।
तुमने अभी तक वो मंगलसूत्र नहीं उतारा? उगली नदी में उतारने वाली थी पर भूल गई। उसने मेरे गले में ये सोचकर पहना था जैसे किसी जानवर को रस्सी पहनाकर बाजार में बेचा जाता है। वो सब खत्म हो चुका है कृष्णा, अब छोड़ो उसे, चलो। तुम्हें याद है यही जगह थी, निसागमा पनी सरेगा, पहली बार कृष्णा मेरे कैमरे के सामने आई थी। उस समय कैमरा में ही नहीं बल्कि मेरे मन में भी बस गई। क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? यही पर मिली थी ना उसकी डेड बॉडी। कृष्णा को कैसे पता कि यही मिली थी? मैं ये धागा वही फेंकना चाहती हूँ। जो हम आंख से देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। इसी तरह से कुछ चीजें आंखें नहीं देखती हैं पर दिमाग उन्हीं को सच मानना चाहता है। इसे स्वप्न कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी भी कह सकते हैं। सिट डाउन। कुछ भ्रम जो दिमाग पैदा करता है वही हम देखते हैं। वैसे इसकी प्रॉब्लम वो नहीं है। ब्लैक मैजिक के द्वारा मरी हुई आत्मा से बात करना और उसे सच मान लेना एक सामान्य इंसान को डिस्टर्ब करने के लिए ये काफी होता है। ब्लैक मैजिशियन भी यही कहते हैं कि वो हिप्नोटिक इल्यूजन करते हैं, क्योंकि कलकत्ता में डांस बार बंद हुए 4 साल हो गए। बट स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड। उस लड़की को कैसे पता चला कि डेड बॉडी वही मिली थी जबकि उसे पता ही नहीं था? इट्स अ यस, हम इसे चमत्कार या जादू कह सकते हैं। वो महिला विश्वास के साथ कहती है कि उसने मरी हुई आत्मा से बात की है, हम उस पर कैसे विश्वास करें? यहीं से हम साइकेट्रिस्ट का काम शुरू होता है। एंड क्लिनिकली हम इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आम भाषा में मतिभ्रम कह सकते हैं। अजीत, तुम उससे शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। ऐसे लोगों को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। इनका मूड जो है कभी भी बदल सकता है। कई बार ये रियलिटी और स्वप्न लोक में अंतर नहीं समझ पाते। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और इनके सुसाइड के भी बहुत चांसेस होते हैं। मेरे मामले में ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है? वो उसी के साथ जी रही है जो उसकी जिंदगी में घटा था, इसमें कुछ कह नहीं सकते। ऐसा कोई डांस बार था भी या नहीं
सबसे पहले हमें इसी का पता लगाना होगा। डॉक्टर, उस पेशेंट को होश आ गया है। प्लीज कम विद मी। आहा, होश में आने के बाद तो तुम काफी ठीक लग रही हो। कैसी है तबीयत? तुम्हें ठंड लग रही थी, अब ठीक है ना? ये ड्रेस मैंने यहीं से खरीदी है, कैसी है, पसंद आई? अरे ये मैंने नहीं पहना है, ये सिस्टर ने पहनाया है। कृष्णा तुम फ्रेश हो जाओ, हम लोग बाहर बैठते हैं। अरे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए, घर पर सब वेट कर रहे होंगे। चिंता मत करो, मैंने फोन कर दिया। ठीक है तो चलो। ओके। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी और मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। हाँ, क्या कहा? तुम्हारी और मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। लगता है तुम्हें काफी कुछ समझ में आया है। हाँ, समझ गई। हटो। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। कृष्णा तुम्हें याद है कि तुम कभी इस जगह पर आई हो? यहाँ किताब की दुकान थी जहाँ पर मलयाली भाषा की किताबें मिलती थी, वो क्लब के पास थी। तब उसे खोजना आसान होगा डॉक्टर, इस एरिया में मलयाली किताब की दुकान कम है। डॉक्टर एक काम कीजिए, गाड़ी पार्क कीजिए, मैं बाहर जाकर आता हूँ। ये लीजिए चाय। भाई साहब, यहाँ पर मुझे मलयाली न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा? कौन सा चाहिए आपको, मनोरमा, मातृभूमि? कृष्णा, कृष्णा यही दुकान थी? मलयाली हैं आप, यहाँ पर मलयाली पत्रिका लेने वाले रेगुलर लोग हैं, मैं उनके लिए हमेशा रखता हूँ। यही पर पास में कहीं डांस बार था, अब कहाँ? वो तो पहले ही बंद हो गया। लगता है ये मेम साहब को पहले कभी देखा है। पहले आप यहाँ पर आई थी क्या? हाँ, यहाँ पर वो नर्सिंग पढ़ती थी, यहाँ मलयाली पत्रिका खरीदती थी। चलो। अरे आपने पत्रिका नहीं ली? लगता है मैंने आपको भी कहीं देखा है, कहीं टीवी न्यूज पर तो नहीं? हाँ, टीवी पर देखा है। देखिए सर, वहाँ जाकर आप शूट मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है, आप मलयाली हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी। अरे हम उसके लिए नहीं आए हैं, वहाँ हमारे यहाँ का वर्गीज नाम का एक आदमी पास में रहता है, उसे खोजने आए। हाँ। अगर ये एरिया ठीक नहीं है तो यहाँ से चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। हाँ। आओ। मैं इस आदमी को भी जानती हूँ, ये हरी के साथ था। हेलो हेलो। हाँ भाई, जिस पार्टी को आप खोज रहे थे वो अभी अभी यहाँ आई थी। तो साफ साफ पता भाई। हाँ भाई। ए, तू सच बोल रहा है ना? पक्का वही लड़की थी ना? हाँ भाई, वही लड़की जो कुछ दिन पहले हरी के साथ आई थी, और वो अभी अभी यहाँ से गई है। क्यों आई थी बता, अकेले आई थी क्या? नहीं भाई, वो दो आदमियों के साथ आई थी, उसमें से एक टीवी रिपोर्टर था, पता नहीं वो लोग यहाँ पर क्यों आए। 5 लाख और मेरा एक हाथ लेने के बाद वो फिर से मेरे पीछे आई है, उसकी माँ की आँख। उसे उठाकर अंदर डाल दो।
ए कृष्णा, क्या हो गया तुम्हें? ए क्या हुआ कृष्णा? डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज इन अ ट्रांस। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, उस चक्री के बीच में कॉन्सेंट्रेट करो। Concentrate on the point. अब तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद है। तुम्हें गहरी नींद आ रही है, नींद में खोकर तुम अपनी सारी दुख तकलीफ भूलती जा रही हो। मेंटली डिस्टर्ब करने वाले वो सारे लोग तुमसे दूर जा रहे हैं। Erase it from your mind. तो मन में सिर्फ अच्छी चीजें देखो। अब इसके मन में कोई राज और संदेह नहीं है। मैंने इसमें से सारी बुराइयां निकाल दी हैं। हमारे दिमाग में एक समस्या होती है, उसे जो चाहिए वो भी, जो नहीं चाहिए वो भी स्टोर कर लेता है। कमेन अजीत, ये यहां वहां जाता है, कहानियां पढ़ता है, कल्पना करता है, लोगों से मिलता है। कोई इंसान जिंदगी में एक मिनट के लिए भी ब्लैंक नहीं रह सकता है। दिमाग कंप्यूटर की तरह है। अभी मैंने इसे स्वीप करके क्लीन कर दिया है, और तुम इसे ले जाकर रीस्टार्ट कर दो। कृष्णा के दिमाग की सारी स्टोरी इस कैसेट में फीड है, तुम इसे प्ले करके सुन लेना। अब ये कहानियां सुनकर मुझे क्या करना है? ये कृष्णा का गाया हुआ एक गाना है। हमारे एक म्यूजिक एल्बम के लिए कृष्णा ने इसमें एक गाना गाया है। ये फ्रेम ऐसे कैसे चेंज हो गया, जरा देखो तो। ये शॉट मुझे रिटेक करना था, पर बारिश होने लगी। वो कार हमें ओवरटेक करके सामने से निकल जाती है। ओके। यही गाड़ी तो पिछले शॉट में भी दिखाई दी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है, रोड पे तो कई गाड़ियां आती जाती हैं। अब क्या करना पड़ेगा? पीछे देखो। अरे तुम यहां क्या चाहते हो? मैंने सोचा था तू हमें निराश करके चली गई, लेकिन तू नहीं गई। हमें धोखा दे रही है कमीनी साली। चल। चुप, चिल्ला मत। छोड़ो मुझे। चिल्ला मत। चल। देखा? मैजिक ऑफ ग्राफिक्स। हेलो। हेलो अजीत। वन सेकंड। लीला बोल रही हूँ। क्या बात है? अजीत, बच्चों को संगीत सिखाते समय कृष्णा को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? कब? अभी। कैसे? हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों ने कहा था कि वो ब्लैक स्कॉर्पियो में आया था, बस इतना ही मालूम। ओके। क्या हुआ अजीत? किसी ब्लैक स्कॉर्पियो से कृष्णा को किडनैप किया गया।
हम गाड़ी का नंबर प्लेट देख सकते हैं? नहीं। जरा देखो। हेलो, क्या ये पुलिस कंट्रोल है? यस। सर, मैं कलकत्ता न्यूज से बात कर रहा हूँ। बोलिए। केरला समाज बिल्डिंग में से एक महिला को किसी ने ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में से किडनैप किया है। अच्छा, जो ले गया उसके बारे में कुछ जानते हो क्या? सर वो क्या किसी पे तुम्हें शक है क्या? वो, सर, उन लोगों का शायद सेक्स रैकेट से संबंध है। इस महिला के पति को मार दिया गया है। उस केस की भी अभी इंक्वायरी चल रही है। आप में से कोई भी एक आदमी यहाँ आके कंप्लेंट दे सकता है, फिर हम देख लेंगे। सर, एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी से उसका किडनैप हुआ है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर आप एक वायरलेस मैसेज दे सकते हैं। गाड़ी का नंबर पता है? आप ये क्या बोल रहे हैं? ये कोलकाता का ट्रैफिक है, वो ऐसे कैसे पकड़ा जाएगा? ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे सर, डैम इट, इस ट्रैफिक में हम कैसे खोजेंगे? तुम्हें इस वक्त कहां से दिलाओ भाई? अब क्या बताऊं, जो रात को जागती हैं वो तो दिन में सोएंगी ही ना। अरे सुनो, मुझे एक मलयाली लड़की चाहिए। क्या सर, उनका तो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। देखिए सर, ये रिपोर्टर और टीवी वालों के साथ हमें बिजनेस नहीं करना है बस। बिजनेस तो हम भी नहीं चाहते। वो ब्लैक स्कॉर्पियो किसकी है? क्या सर, मैं गरीब आदमी हूँ, बस यहाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ, बाकी मैं उसके बारे में कुछ नहीं चाहता। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ सर, छोड़िए मुझे। पता मुझे? मुझे नहीं पता सर, कुछ नहीं बताएगा। नहीं सर, सर मैं गरीब आदमी हूँ, चाय का धंधा करता हूँ, मुझे बताना ही होगा। नहीं, बता दो सर, बता दो, बता। वही अपन की गाड़ी थी और उसने हरी को बहुत सारे पैसे दिए थे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं जानते मैं सर, मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ लेकर गए हैं? बता उसे कहाँ लेकर गए हैं, जल्दी बता। जान ले लूंगा तेरी। बताता हूँ सर, बताता हूँ। चुप, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके, मलयाली जिसमें इन्वॉल्व है उसे सेक्स रैकेट ने किडनैप किया है। मुझे नहीं लगता वो अकेले कुछ कर पाएगा। He needs some help. पुलिस भी वहाँ घुस नहीं सकती है, ऐसा एरिया है, ऐसा एसीपी ने कहा है। बिना किसी सबूत के उसे वहाँ ले जाया गया है। एक्शन कैसे ले सकता है कमिश्नर? इनकी बस यही तक पहुँच है। हमारी भी यहाँ बहुत अच्छी पहुँच है। सेक्रेटरी अगर मुख्यमंत्री को कहे तो फिर ये बोल नहीं सकते, बस यही इनकी प्रॉब्लम है। आप एक काम करिए ना, उन्हें कॉल करके क्यों नहीं बोलती? आपने तो कितनी बार पीएस को कॉल करके बोला है। पीएस आए क्या, मिलिट्री भी आ जाए तो वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। वो सोनागाछी और गदरपुर गाँव है, हजारों तो जिस्म के सौदागर है वहाँ पे, आखिर उसे खोजेंगे कैसे? समझ लो कि वो चली गई वहाँ से। ए, गाड़ी हटाओ यहाँ से, चलो हटाओ। नहीं, भारत आ रही है। बता मुझे, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे माफ कर दो। क्या हो रहा है? बचाओ, अरे कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ, हटो, रुक रुक, हट जाओ, बचाओ, अरे कोई है, अरे क्या कर रहा है? गाड़ी क्या कर रहा है? बचाओ, ये मुझे मार रहा है, अबे रुक, बचाओ मुझे, बचाओ। ए, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, यहाँ से चल, चल, निकल, निकल, निकल।
ए क्या रे, चल जा इतना ही रेट में, मैं नहीं आने वाली। चलना चिकने, क्या है? अरे चलना चिकने, अरे शर्माता क्यों है? अरे चल, रोज यहाँ आता है। चल, अरे आना मेरे साथ, चल मेरे पीछे आ। अरे चल ना बाबा, कितना शर्माता है। ये तेरा भाड़ा कितना है रे? बोला जल्दी बोला, रुक एक मिनट रुक। इधर आना, अरे उसे छोड़ना। मेरे को मालूम है तेरा भाव बहुत ज्यादा है। शर्माता क्यों है? अरे मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, तेरा रेट बहुत ज्यादा है, कुछ कम करके बोल। अरे आ जाना, अरे रेट का बाद में देखेंगे, आ जाना। ठीक है तो अब तो क्या है, चलिए बच्ची को इधर ही बिठा दे। चल चल चल। तो ठंडा ठंडा चल रहा है, ए, कोई आता है देखना, थोड़ा कम करना है। वो देख जा रहा है। अरे किधर जाता तू? मेरे पास आना अंदर। अच्छा ना, मैं सुंदर देख रही हूँ ना अंकल, मेरा फोटो लोगे? मत कैसे हो यहाँ निकल? चल रहा, निकाल उसको यहाँ से। माँ, ओ माँ, क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, मार उसको मार। माँ, ये देखो, ये लोगी, जरा इधर देखो। अरे कहाँ जा रही हो? अरे फोन मुझे दो। नहीं दूंगी। मार उसको।
अंकल, ये आपका है? है बेबी। अंकल, ये मैं हूँ। स्वीट बेबी। हेलो हेलो स्मिता। हेलो, मुझे सुन सकती हो? अजीत कहाँ हो तुम? Where are you? We are, अजीत, we are in a dangerous situation. हम लोग यहाँ एक बड़े सेक्स रैकेट के लोगों के बीच फंस गए हैं। Oh my God. एक दो आदमी के साथ यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर हजारों लड़कियाँ हैं स्मिता, वो यहाँ फंसी हुई है स्मिता। It's a big trap. Are you okay? मैं यहाँ से कुछ विजुअल्स भेज रहा हूँ। तुम इसे लेकर कंप्लीटली चैनल पर फ्लैश कर दो। हेलो अजीत। हेलो। आई थिंक वी नीड अ हाई लेवल ऑपरेशन। ओके। अजीत और दीपू वहाँ किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ए कविता, हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है मेरे पास, चैनल को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो सर, कलकत्ता न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हमें एक सनसनीखेज खबर मिली है जिसमें एक पावरफुल माफिया शामिल है जो सेक्स रैकेट से संबंध रखते हैं। कलकत्ता न्यूज की टीम जैसे जर्नलिस्ट और कैमरामैन पर इस शहर के लोगों ने हमला किया। इससे साबित होता है कि इस शहर में ये पेशा तेजी से फैल रहा है। ये है एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया जहां 50,000 से ज्यादा लड़कियां वेश्यावृत्ति में फंसी हैं, जिसमें केरला की और पूरी दुनिया की लड़कियां हैं। इन्हें झांसा देकर यहां लाके बेचा जाता है। इन्होंने सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों खो दिया है। इन्हें बंद कमरों में जेल के कैदियों की तरह रखा जाता है। बचाओ, हम सबको बचाओ, हम सबको थोड़ी सुरक्षा दो। इट्स अ टेरिबल सिचुएशन। इंसानों को यहाँ जानवरों की तरह रखा जाता है। प्लीज प्लीज हेल्प अस। हाँ मिनिस्टर है, एक मिनट है सर, आपका कॉल। सर, आप टीवी देख रहे हैं? लोकल प्रोड्यूसर। हाँ मैं देख रहा हूँ। हमें प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिक्वेस्ट है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भी एक्शन जरूरी है वो ले लो और जल्द से जल्द कलकत्ता फैक्स कर दो। ओके ओके सर। ओके Please start the rescue operation immediately and also employ multiple task force if necessary. Yes sir, we will handle the situation. बंगाल के मुख्यमंत्री से मैंने कहा है कि वो तत्काल सहायता प्रदान करें और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि जहां तक हो सकेगा वे हमारी सहायता करेंगे। हरियो, 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 चलो जल्दी। हाँ भाई ठीक है ठीक है। ए, 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 चल 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 जल्दी। हाँ भाई हम लोग आ रहे हैं। छोरे कुत्ते जो भी ले ले वो ले ले। चल इनके तो पुलिस वालों के तुम्हारे छोड़ डालो सब।
माइक, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पुलिस को अपना काम करने दो, पीछे हट जाओ सब लोग, चलिए जाइए। पुलिस को यहाँ नहीं आने देंगे, हमारे पास लाइसेंस है। तुम्हारे पास औरतों को मारने का लाइसेंस नहीं है, चलो पीछे हटो। सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। चार्ज 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 कम ऑन। लड़की को ढूंढने आया था ना रे? चलो आगे बढ़ो, चलो जल्दी बढ़ो आगे, बाहर निकलो। संभल करके जाओ उसको, संभल के। हाँ नहीं, लड़की को तुम लोगों ने देखा है क्या? मैं भी नहीं हूँ। अच्छा, हाँ
Honor, I request the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Samudra Bhattacharya, to please come up on the stage. We now call upon Mr. Ajit Thomas to kindly come on the stage and receive the momentum. Congratulations, Ajit. Thank you, sir. One second, please. Bhaiyon aur behno, ये अवार्ड और ये सम्मान मैं किसी के साथ बांटना चाहता हूं। मेरे जीवन की साथी शैडोज ऑफ कलकत्ता की नायिका कृष्ण प्रिया। कृष्ण, प्लीज कम। कृष्णप्रिया, तुम भी कुछ शब्द बोलो। मैं क्या बोलूं? नमस्कार। मैं उसमें अभिनय नहीं कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि शूट हो रहा है, लेकिन हम इसी के कारण एक दूसरे के नजदीक आए हैं। अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगी तो आप बताएंगे वो क्या है। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? जय अम्बे बोल जरा, मस्ती में डोल जरा, माता के द्वार लगी लंबी कतार, बोलो जय माता दी। खाली गया ना कोई मैया के द्वार से, देखे आशीष चली मैया कैलाश पे, जय माता दी, बोलो जय माता दी। जय अम्बे बोल जरा, मस्ती में डोल जरा, माता के द्वार लगी लंबी कतार, जय माता दी, बोलो जय माता दी। मेरी दुर्गे माँ, आया शरण में मैं तेरे माँ,
से खड़े दर पे तेरे, जय अम्बे बोल जरा मस्ती में डोल जरा, माता के द्वार लगी लंबी कतार, बोलो जय माता दी। जय अम्बे बोल जरा मस्ती में डोल जरा, माता के द्वार लगी लंबी कतार,